नमस्कार, स्वागत है आप सबका एनएमसी न्यूज में। मैं काजल शर्मा प्रस्तुत करती हूँ आज की कुछ बड़ी खबरें। 25,000 कर्मियों का बड़ा मानदेय, निगम की बसों में अब महिलाओं का आधा किराया। प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों में महिलाओं का आधा किराया ही लगेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मई के बाद पेयजल भी मुफ्त मिलेगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में हुई कैबिनेट मीटिंग में एक बहुप्रतीक्षित फैसला को मंजूरी दी गई। प्रदेश में 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ने को भी मंजूरी दी गई। इस सुविधाओं की घोषणा 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर चंबा में मुख्यमंत्री ने की थी। अब अधिसूचना जारी होते ही इसका लाभ प्रदेश की जनता को भी मिल जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन में एक भरे सिलेंडर और एक रिफिल के अलावा अब 2 सिलेंडर मुफ्त रिफिल देने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि नियमित सरकारी महिलाओं कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने की सूरत में 12 सप्ताह तक अवकाश दिया जाएगा। बिलासपुर में तैयार होंगे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर के कलपुर्जे। आंध्र प्रदेश की देवराइज इंफ्रा कंपनी 500 करोड़ का करेगी निवेश। बिलासपुर जिले के बरसंड में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के कलपुर्जे बनेंगे। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र झंझुड़ा के बरसंड में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की देवराइज इंफ्रा कंपनी 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी सैकड़ों स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। यह कंपनी बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट व बम डिस्पोजल करने के उपकरण, बैटल टैंक, इंजन के कुल पुर्जे भी तैयार करती है। जून के अंत तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 7 और कंपनियां इस औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए तैयार हैं। रसोई पर पड़ी महंगाई की और मार, दोगुने हुए सब्जियों के दाम। हिमाचल में गोभी और मटर 80 रुपए किलो, प्रदेश में टमाटर 60, दक्षिण राज्यों में 100 रुपए किलो। गैस सिलेंडर, आटा और तेल की बढ़ती कीमतों के बाद अब रसोई पर महंगाई की और मार पड़ी है। टमाटर व अन्य सब्जियां दोगुने दामों पर बिक रही हैं। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी के 80 रुपए, मटर और फ्रांस बीन की भी 80, टमाटर 60 रुपए, भिंडी और आलू के दाम 40-40 रुपए प्रति किलो है। सब्जियां महंगी मिलने से आम आदमी परेशान है। देश में कई जगह टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। राज्यपाल की जगह अब ममता बनर्जी होंगी विश्वविद्यालयों की कुलपति। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विश्वविद्यालयों की कुलपति होंगी। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को इसे संबंधित विधेयक को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री प्रीत बसु ने कैबिनेट बैठक में यह बात बताई कि बल जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। वर्तमान में राज्यपाल सरकार द्वारा के तहत संचालित 17 विश्वविद्यालयों के पैदेन कुलपति होते हैं। ममता बनर्जी सरकार ने लगातार हो रहे टकराव को देखते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ की शक्तियों को सीमित करने के लिए सरकार से यह उम्मीद जताई है। सहारा से जुड़ी 9 कंपनियों की जांच रहेगी जारी सुप्रीम कोर्ट। सहारा समूह से जुड़ी 9 कंपनियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी से 1,00,000 करोड़ रुपए से लेन देन और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच को रोकने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस डीवी चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अवकाशालीन पीठ ने वीरवार को यह कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश गलत था, कंपनियों की जांच अंतरिम चरण में ही रह गई। यह मामला 1,00,000 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा है। केंद्र सरकार